गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कैसे निकालते हैं, विशेष समाकलन। देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशियंट, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकलन समीकरण। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशियंट, इसे पिछली क्लास में अपन ने देखा एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, और यहाँ से इससे पहले आपको मैंने बताया कि इसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको बोलते हैं पूरक फलन और इसको बोलते हैं विशेष समाकलन। अब देखिए, इसमें यहाँ पे पी आई कैसे निकालते हैं, तो जो पी आई है उसका फॉर्मूला होता है, नोट डाल के लिख लीजिए, नंबर वन पे इफ क्यू एक्स इक्वल टू, एक तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला होता है पी आई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स, ऐसे लिखते हैं पी आई को। अब इसमें जैसे क्यू एक्स है इसके ऊपर अलग अलग वैल्यूज डिपेंड करती हैं। जो जनरल फॉर्मूला है वन अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एल्फा एक्स ई रेस टू पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। दूसरा जो फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, कि क्यू एक्स है उसकी वैल्यू ई रेस टू पावर ए एक्स हो, क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो, ई रेस टू पावर ए एक्स, तब इसका पी आई जो होगा वो होगा वन अपॉन एफ डी ई रेस टू पावर ए एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ ए ई रेस टू पावर ए एक्स। कंडीशन है कि एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, ये ई रेज टू पावर ए एक्स है, इसको अपन इस डी की जगह रिप्लेस करेंगे, ये इसकी वैल्यू होगी। बट ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर ये जीरो हुआ तो इसका फॉर्मूला बनेगा वन अपॉन डी माइनस एल्फा होल पावर आर ई रेज टू पावर ए एक्स। तो देखो क्या करो, ये इसमें ए रखने पे डी माइनस ए, ए रखने पे ये जीरो होगा, तो होल पावर देख लिया करो, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर आर फैक्टोरियल आर ई रेज टू पावर ए एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। आज अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ और आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर फोर एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशन, हल कीजिए इस इक्वेशन को। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए है ये, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑक्जिलरी इक्वेशन। ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये जो डी होता है, डी की जगह क्या लिख दिया करो, एम लिख दिया करो, लिख दिया एम। अब देखो इसके करो फैक्टर, क्या आएंगे इसके फैक्टर, एम प्लस वन एम प्लस टू
इक्वल टू जीरो, देन m इक्वल टू माइनस वन माइनस टू। तो इसका सी एफ कैसे लिखेंगे? जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं इसको, तो इससे पहले जो लेक्चर हो रखे हैं उनमें मैंने सी एफ निकालना सिखा रखा है, तो एक बार आप उनको देख लो, जिसे सी एफ लिखना आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका सी एफ कैसे लिखोगे? सी एफ इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स। ये तो हो गया इसका सी एफ। अब निकालो पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। लिख दिया, वन अपॉन एफ डी, एफ डी की वैल्यू डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, क्यू एक्स की वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स की जगह फोर एक्स। अब सबसे पहले ये देखना होता है कि ये वैल्यू इसमें रखें। देखो फॉर्मूला क्या है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि वन अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये पी आई निकालने का फर्स्ट मेथड है। वन अपॉन एफ डी, डी की जगह क्या रख दोगे? ए रख दोगे, ई रेज टू पावर ए एक्स। कंडीशन क्या है? एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये जीरो है या नहीं है? तो आप m की वैल्यू देख लिया करो, m की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस वन और माइनस टू। तो यहाँ ये पावर माइनस वन माइनस टू है क्या? नहीं है, इसलिए इसमें रखने पे जीरो नहीं होगा। वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा? वन अपॉन डी की जगह फोर रखो, फोर का स्क्वायर थ्री इंटू फोर प्लस टू ई रेज टू पावर फोर एक्स। क्या आ जाएगा पी आई? वन अपॉन ये हो गया सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व, और ये हो जाएगा प्लस टू, तो ये कितना होगा? ट्वेंटी और थर्टी ई रेज टू पावर फोर एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन थर्टी ई रेज टू पावर फोर एक्स। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये सॉल्यूशन होता है। तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू सी एफ क्या बनेगा आपका? सी एफ है ई रेज टू पावर माइनस एक्स सी टू ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स, और पी आई हो गया वन अपॉन थर्टी ई रेज टू पावर फोर एक्स। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन देखिए और करवाते हैं क्वेश्चन आपको। हटा दो इसको, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन माइनस वन है, सॉरी माइनस वन वाई इरेज टू पावर एक्स बाई टू प्लस इरेज टू पावर थ्री एक्स। ये क्वेश्चन है, इसमें ये टू हो रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही सी एफ निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, पी आई का यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आज अपन इसी मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखो? ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको बोलते हैं सहायक समीकरण। डी की जगह एम रखो, थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। क्या लिख सकते हो इसको? थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? 3m कॉमन आ गया, m प्लस वन माइनस वन कॉमन आ गया, m प्लस वन फिर क्या कॉमन आ गया? m प्लस वन 3m माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन m की वैल्यू माइनस वन और वन बाई थ्री, दो वैल्यूज आ गई। सी एफ लिखो, दोनों ही वैल्यू क्या है?
डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, अलग अलग मोल हैं इसके। तो क्या लिखोगे, सी एफ सी वन ई रेज टू पावर, ये माइनस वन है, माइनस एक्स सी टू ई रेज टू पावर वन बाई थ्री एक्स, ये तो हो गया इसका सी एफ। अब निकालो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे अपन, इधर निकाल लेते हैं। देखिए पी आई वन अपॉन एफ डी और यहाँ आता है क्यू एक्स। अपने पास एफ डी की वैल्यू क्या है, ये थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस वन, और ये है ई रेज टू पावर एक्स बाई टू टू ई रेज टू पावर थ्री एक्स। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो क्या रह जाएगा, वन अपॉन थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस वन ई रेज टू पावर एक्स बाई टू, टू बाहर आ जाएगा, थ्री डी स्क्वायर टू डी माइनस वन ई रेज टू पावर थ्री एक्स। अब देखो फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, वन अपॉन एफ ए ई रेज टू पावर ए एक्स। कंडीशन क्या है, एफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अपने को कैसे पता लगेगा कि ये जीरो है या नहीं है, यहाँ पे देखो ई रेज टू पावर का कोफिशेंट क्या है एक्स का, वन बाई टू और यहाँ पे थ्री। तो क्या आपके पास m की वैल्यू 1 बाई टू और 3 आ रही है, नहीं आ रही, इसलिए ये जीरो नहीं होगा, नहीं होगा तो इसमें पुट कर दो। तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन 3, 1 बाई टू यहाँ रखूँगा तो 1 बाई फोर प्लस टू इंटू वन बाई टू माइनस वन प्लस टू, इसमें रखो 3 इंटू नाइन प्लस टू इंटू थ्री और माइनस वन ई रेज टू पावर थ्री एक्स, दैट इज वन अपॉन। देखो ये हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर बाई थ्री ई रेज टू पावर एक्स बाई टू, और ये टू अपॉन थ्री इंटू नाइन 27 हो गया, थ्री इंटू टू सिक्स हो गया, सिक्स माइनस वन फाइव हो गया, ये इसमें आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32, ये बन गया आपका 32, और ई रेज टू पावर 3x, इसको क्या लिख सकते हो, 4 बाई थ्री ई रेज टू पावर एक्स बाई टू, दैट इज 1 अपॉन 16 ई रेज टू पावर 3x। और सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे तीन फंक्शन गिवन हो तो अपन तीन के लिए क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। अब इसमें दूसरा केस करवाता हूँ कि अगर पुट करने पे वैल्यूज जीरो आ रही हो तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर प्लस वन डी माइनस वन होल स्क्वायर वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सी एफ निकालो, पी आई निकालो। तो देखो सबसे पहले ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस वन एम माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो ये जब जीरो होगा तो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये जब जीरो होगा तो दोनों ही रूट क्या हो गए, रिपीट हो गए। जब रूट रिपीट होते हैं तब अपन सी एफ कैसे लिखते हैं,
तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो देखो क्या लिखोगे, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस, ये प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो इसका सी एफ लिखोगे सी थ्री कोस एक्स सी फोर साइन एक्स, ये तो हो गया सी एफ। अब निकालिए पी आई, वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स, एफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर प्लस वन एंड डी माइनस वन होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अपने पास ए की वैल्यू वन है, तो ए की वैल्यू वन है तो वन एम की वैल्यू भी तो आ रही है, तो जब अपन इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया है कि वन अपॉन डी माइनस ए की पावर आर ई रेज टू पावर ए एक्स वन अपॉन डी माइनस, तो ये एक्स की पावर आर फैक्टोरियल आर ई रेज टू पावर ए एक्स, और जिसमें जीरो नहीं हो रहा हो उसमें तो पुट कर देंगे। ये वन इसमें रखने पे जीरो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें रखने पे जीरो हो रहा है, तो जिसमें जीरो नहीं हो रहा उसमें तो रख दीजिए, तो वन प्लस वन, और इसमें जीरो हो रहा है तो होल पावर देखो कितनी है, टू, तो आप लिखो एक्स की पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू और ई रेज टू पावर एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई फोर ई रेज टू पावर एक्स, ये इसका पी आई हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज सी एफ की जगह सी एफ की वैल्यू पुट कर दो और पी आई की जगह पी आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक या कोस हाइपरबोलिक में क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, इसको हटा दें। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो देखो, चाहे कोस में क्वेश्चन आ जाए और चाहे साइन में आ जाए, तो अगर कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाए इसको लिख देना है वन बाई टू ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, साइन हाइपरबोलिक आए वन बाई टू ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये लिख देंगे। ठीक है, देखिए इसकी ऑक्जिलरी इक्वेशन निकालिए, ये यूं कहें ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, ऑक्जिलरी इक्वेशन से एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर करो एम माइनस वन एम माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अब देखो एम की वैल्यू क्या आ गई, वन और टू आ गई, तो सी एफ क्या हो जाएगा इसका, सी वन ई रेज टू पावर एक्स सी टू ई रेज टू पावर टू एक्स। अब निकालिए पी आई, वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स, एफ डी की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू और कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसको लिख सकते हो आप डी माइनस वन डी माइनस टू ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू, दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे, ये वन बाई टू तो बाहर ले लेंगे, ये वन बाई टू तो आ गया बाहर, और इसको देखो कैसे लिखोगे, वन अपॉन डी माइनस वन डी माइनस टू ई रेज टू एक्स वन अपॉन डी माइनस टू
ई रेज टू माइनस एक्स। और अभी अभी जो फॉर्मूला बताया आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसकी वैल्यू वन है, तो वन इसमें रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जिसमें जीरो नहीं हो रहा उसमें तो रख दीजिए। तो देखो इस वेक्टर में तो जीरो होगा नहीं, तो ये तो वन माइनस टू, इसमें जीरो होगा तो इसमें होल पावर देख लिया करो। तो एक्स की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन ई रेज टू एक्स प्लस, इसमें ए की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन इसमें रखने पे जीरो नहीं होगा, डी की जगह पुट करो, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स वन बाई टू, ये माइनस वन होगा, माइनस एक्स ई रेज टू एक्स माइनस टू इंटू माइनस थ्री वन बाई सिक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स टीच वाई इक्वल टू सी ए प्लस पी आई इसका सॉल्यूशन होगा। साइन में भी क्वेश्चन आ सकता है हाइपरबोलिक में, और कोस हाइपरबोलिक में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है आपका मेथड नंबर वन फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, नोट कर लो इसको। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड मेथड करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्यू एक्स की वैल्यू अलग अलग फंक्शंस होंगे एक्स के, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो वन बाय वन फॉर्मूला अपन करेंगे। इसको देख लिया आपने, बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली आराम से कर सकते हो। मैंने बता दिया इसका कंसेप्ट क्या है, यही इसका कंसेप्ट है। थैंक यू।